इस वीडियो में बताऊंगी ब्लाउज कटिंग करने का सही तरीका। तो इसमें हम एक एक पार्ट बताएंगे कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं और आपका ब्लाउज फिटिंग सही से नहीं आ पाता। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारा हर एक वीडियो आप देख सकते हैं, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कन्फ्यूजन का सोल्यूशन भी मिलेगा। तो इसमें मैं एक एक पार्ट डिटेल में बताऊंगी। जैसे कमेंट में आता है कि मैम हमारा ब्लाउज फिटिंग नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई हमारा 14.5 इंच फिटिंग में है और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो टोटल हम लेंगे 16 इंच। तो 16 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस टाइप से, और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। इस टाइप से मैं सीधा कर दी। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ से हम लेंगे, जैसे डोरी लगाना है तो हम लेंगे 2.5 इंच गला और 3 इंच शोल्डर, टोटल 5.5 इंच। 5.5 इंच में निशान लगा रही हूँ। और अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगी, वहां भी आप देख सकते हैं, मैं एक बार डिटेल में बताई हूँ। उसके बाद हम लेंगे आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान हम लेंगे 6.5 इंच, ये है 36 इंच का ब्लाउज। तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस टाइप से और इसे हम बॉक्स बना दिए। अब हम आर्मोल का गुलाई देंगे। तो आर्मोल में जो गुलाई है वो 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो इस तरह से मैं गुलाई लगा दी, आप देख सकते हैं। और इसमें हम हर एक चीजें बताएंगे कि किस तरह से आपका आर्मोल में झोला जाता है, या तो यहाँ से कपड़ा कम पड़ जाता है चेस्ट से, और किस हिसाब से आपको कटिंग करना है। पहले हम चेस्ट का नाम लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ का एक एक पार्ट हम आपको समझाएंगे। तो जैसे कि चेस्ट का नाम हमारा 36 इंच का ब्लाउज है, तो चौथाई भाग में हम लेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ पहले, और इन निशान को सीधा कर लेंगे। अब कमर का नाप हम नहीं लगाते हैं, कमर का नाप यही आ जाता है सेम फिटिंग में, क्योंकि यहाँ से सीधा जो हम निशान लगाएं और यहाँ जो ज्यादा स्ट्रक कपड़ा है तो यहाँ जो प्लेटें बनता है बैक साइड में वो यहाँ का कपड़ा ले लेता है, ठीक है। और ये फिटिंग यही सीधा फिटिंग इसमें आ जाता है, तो हम इसे तिरछा नहीं लगाना है हमें, ठीक है। तिरछा जैसे होता है ना, ऐसे तिरछा यहाँ से फिटिंग देना वो आप नहीं दीजिएगा, यहाँ का निशान यहाँ सीधा मिला देना, ये ऑलरेडी फिटिंग में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आर्मोल का बात करेंगे। तो आर्मोल का नाप आप देख सकते हैं, ये ब्लाउज का नाप है। जैसे बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं कि कितना नाप का कितना लेना चाहिए, कितना साइज का कितना, तो इसमें मैं आपको समझा के बता रही हूँ कि इस तरह से आपको देखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस जगह से, यहाँ जहाँ सिलाई है शोल्डर का, यहाँ से हम निशान इस तरह से लेंगे, मतलब नापेंगे, और यहाँ से इस तरह खींच करके लेना है, ऐसे करके ऐसे लेना। तो आप देख सकते हैं 8 इंच फिटिंग में है, 8 इंच थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, तो 2 पॉइंट बढ़ रहा है, तो ये फिटिंग का है। तो यहाँ से अब हम नाप के देखेंगे, यहाँ से हमारा फिटिंग आ रहा है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। तो यहाँ से हम नाप के देखेंगे ऐसे घुमा करके कि 8 इंच और थोड़ा सा आ रहा है क्या नहीं, इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं यहाँ 8 इंच पे निशान आ गया है, यहाँ से यहाँ तक 8 इंच आ गया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया जो हमारा शोल्डर में ज्वाइंट हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसे घुमा के आपको देखना है कि ये फिटिंग में आएगा क्या नहीं। तो ये 8 इंच आ रहा है, आप देख सकते हैं, और यहाँ जो थोड़ा सा बच गया वो शोल्डर में ज्वाइंट हो जाएगा। और अगर आपका नहीं आएगा, जैसे कम पड़ जाएगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ से आप इस टाइप से बढ़ा दें, ऐसे करके आर्मोल को ही नीचे तरफ कर दें इस टाइप से, ठीक है। ऐसे 6.5 इंच लेंगे आप 36 इंच का, तो परफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपका थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा। और अगर जैसे ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा इस टाइप से ऊपर कर देना है, इस तरह से ऐसे कर देना। ज्यादा हो रहा है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और अगर कम हो रहा है तो यहाँ से बढ़ा दीजिएगा, और तो परफेक्ट यहाँ से आ जाएगा। जैसे जरूरी नहीं कि 36 इंच का ब्लाउज सबको एक जैसा बनता है, किसी का थोड़ा यहाँ पतला रहता है, किसी का हाथ पतला रहता है, किसी का कमर, किसी का चेस्ट ज्यादा रहता है, मतलब थोड़ा वो डिफरेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लेना है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, जैसे जितना साइज का ब्लाउज है, चाहे 32, 30, 36, 34 जो भी हो, 38, 40,
आपको इस तरह से नाप के देख लेना है, घुमा के इसका आर्महोल नाप के देखना है। उसके बाद यहाँ आपको ऐसे घुमा के देखना है कि ये फिटिंग का निशान आ रहा है चेस्ट वाला, और ये भी आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इस तरह से निशान लगाने से आपका फिटिंग नाप आ जाएगा। और जैसे आप चेस्ट का नाप लगाए, इस टाइप से चेस्ट का नाप लगा दिए, यहाँ से निशान लगा दिए और यहाँ का आप ध्यान नहीं दिए, और इसी पे आप सिलाई फिटिंग का लगा दिए, तो यहाँ से या तो आपका झोल आ जाएगा या तो आपका टाइट हो जाएगा, ये चीज हो जाता है। अब ध्यान से यहाँ से आपको नाप के इस तरह से देख लेना, जैसे मैं देखी घुमा करके, इसी तरह से आपको घुमा के देख लेना है, ठीक है, कि मेरा ये भी आर्महोल आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा, अगर घट रहा है तो यहाँ से बढ़ा लीजिएगा, और कम पड़ रहा है तो यहाँ से बढ़ा दीजिएगा, और बढ़ रहा है तो यहाँ से कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं इतना समझा दी, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम गला का डीप का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से जो अस्ट्रा लिए हैं 1/4 इंच, वो हम यहाँ से पहले निशान लगा देंगे इस तरह से। इसे हम मोड़ने के लिए लगाए हैं, नीचे तरफ तुरपाई करने के लिए। और अगर आपके पास जैसे कम कपड़ा है तो यहाँ से आप पट्टी भी ज्वाइंट कर सकते हैं, पट्टी ज्वाइंट करके उसी को आप मोड़ सकते हैं। हम इसी में डायरेक्ट ले लेते हैं, इसी को हम मोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आपको ब्लाउज में देखना है इस टाइप से, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप कीजिएगा तो आपका ब्लाउज परफेक्ट आ ही जाएगा। तो यहाँ से बैक पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से लेना, इस तरह से यहाँ हम रख देंगे इस टाइप से, और 1/2 इंच ऊपर ही रखेंगे। जो हम इसमें पट्टी जोड़ेंगे तो 1/2 इंच हम ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, जितना था उससे हम 1/2 इंच ऊपर रखें, आप देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद हम यहाँ जैसे निशान लगाए थे 2.5 इंच, यहाँ 2.5 इंच निशान है, यहाँ 3 इंच है, टोटल 5.5 इंच। अब यहाँ लेंगे हम 3 इंच, 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे नीचे तरफ, इसलिए कि हम गुलाई थोड़ा अच्छे से हमारा बैक साइड में हो पाए, और यहाँ से हम तिरछा निशान इस तरह मिला देंगे, ठीक है। और अगर आपको और पसंद है जैसे थोड़ा सा और डीप करके ऐसे घुमा के, तो आप यहाँ कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। हम यहाँ 2.5 इंच लेंगे तो यहाँ 3 इंच लेंगे, 1/2 इंच बढ़ा के लेते हैं, ठीक है, आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ हम गुलाई देंगे 1/2 इंच का गुलाई, 1/4 इंच का, इस तरह से गुलाई लगा देना है। यहाँ से गैप 1/2 इंच या 1/4 इंच होना चाहिए, तभी गुलाई सही से हो पाता है, ठीक है। तो इस टाइप से गुलाई लगा देना है जैसे मैं लगा दी। और ध्यान रहे कि ये जो मैं बैक पार्ट में यहाँ रखी जो ब्लाउज, यहाँ से छोड़ करके जो आप तुरपाई करेंगे नीचे तरफ का पार्ट छोड़ करके, ऐसा नहीं कि आप यहीं से नाप लगा दिए यहाँ से पूरा गला कटिंग कर दिए तो आपका गला नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से जो हम डॉट लगाएंगे वो हम लगाएंगे यहाँ से 5-5.5 इंच पर इस तरह से, और ज्यादा लंबा नहीं लगाना है, 3-3.5 इंच लगाना है इस टाइप से, ठीक है। तो इसी में आप समझ गए होंगे। और गले में अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो मैं आपको बताई कि मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और चैनल में भी जाके आप देख सकते हैं, मेरा हर एक वीडियो हेल्पफुल ही रहता है। और वीडियो को लाइक लेकिन जरूर कर दीजिएगा। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका गुलाई कितना सुंदर आया है। इसी तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट कटिंग करके हम आपको बता रहे पार्ट भी हम यहीं से कटिंग करेंगे। यहाँ से जैसे हम बैक पार्ट कटिंग किए तो यहीं से हम फ्रंट पार्ट भी कटिंग करेंगे, तो इधर का कपड़ा आसानी से बच जाता है। और जैसे बहुत लोग को होता है ना कि कपड़ा कटिंग करते करते कम पड़ जाता है, तो इस टाइप से कटिंग करने से थोड़ा थोड़ा मोड़ के कटिंग करने से कपड़ा अच्छी तरह से हो जाता है, कम नहीं पड़ता है। और उस तरह से मैं वीडियो बना के अपलोड भी की हूँ किस टाइप से आपको बचत में कटिंग करना है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी, और चैनल में भी जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप से मैं डबल की और एक्स्ट्रा, जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा साइड से मार्जिन तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या कैसे कटिंग करते हैं, जितना बैक पार्ट का कटिंग किए वही फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट पार्ट में क्या होता है, जो 4 प्लेटें बनता है उसमें कपड़ा कम पड़ जाता है, अब कपड़ा उसमें चल जाता है तो उसके बाद कपड़ा कम पड़ जाता है, तो बैक पार्ट का जो पार्ट है वो बड़ा हो जाता है और फ्रंट पार्ट का छोटा हो जाता है। तो कहते हैं मैम पर आगे का पल्ला हमारा छोटा हो गया तो ऊपर चढ़ रहा है, और बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है ब्लाउज में। तो इसलिए मैं बता देती हूँ, हर वीडियो में मेरा देखिएगा, हर एक वीडियो में मैं डिटेल में बता ही देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। और यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से मैं 1 इंच बढ़ा दी, चौड़ाई में बढ़ा दी, इसी तरह से आपको बढ़ा लेना है, कपड़े को डबल कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ से इस तरह से बैक पार्ट को रख देना है। और ये हमारा जैसे बेल्ट वाला ब्लाउज है। और अगर आपको जैसे सिंपल ब्लाउज कटिंग करना है और बिना बेल्ट का,
तो वो भी वीडियो हमारे में है, वो भी आप देख सकते हैं और लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब मैं हर एक वीडियो बना चुकी हूँ, मेरा अपलोड है उसमें, आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैं रख दी, सीधा करके इस तरह से रख लेना है। उसके बाद जो ये आर्मोल है, आर्मोल का सेम निशान लगा देना है बैक पार्ट का। बहुत आसानी है कटिंग करने में, आप लोगों को लगता होगा कि हार्ड है लेकिन बहुत आसानी है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आप यहाँ से ध्यान से समझे, जैसे ये जो बैक पार्ट का है तो बैक पार्ट से ज्यादा छोटा आप ना करें, नहीं तो ज्यादा छोटा करेंगे तो आपका तीरा ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ से आप मात्र 3 इंच का छोटा करें, 3 इंच का मैं यहाँ से छोटा कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से 3 इंच का बैक पार्ट का, यहाँ से 3 इंच से 3 इंच ही छोटा करें, ठीक है। और ज्यादा यहाँ से छोटा कर देंगे यहाँ का लंबाई तो वो तीरा आपको ऊपर चढ़ ही जाएगा, इस तरह से नहीं करना है। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे गले का आगे का, तो ये हमारा रहेगा 6 इंच, 6 इंच रहेगा ये फिटिंग में हमारा है 6.5 इंच, लेकिन हम अभी 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। मैं हर ब्लाउज में बताती हूँ कि गले में आपको 1/2 इंच माइनस करके ही लेना है, जब हम पट्टी जोड़ते हैं और मोड़ते हैं तो बढ़ जाता है, इसलिए हम 1/2 इंच माइनस करके लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि कचपट्टी बटन पट्टी लगाने के बाद में भी गले में गुलाई देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि यही कटिंग की है और वही कटिंग हमारा हो गया। और सिलने के बाद में, जैसे टक्स सिलने के बाद में, बटन पट्टी लगाने के बाद में, कचपट्टी हाई पट्टी जो भी आप लगाते होंगे, वो लगाने के बाद में भी गले का आगे का गुलाई देना पड़ता है थोड़ा अच्छे तरीके से, तब सही से आ पाता है, ठीक है। और वो भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और इसे मैं उठा दी है आप बैक पार्ट को, और यहाँ से मैं गुलाई लगा दी इस टाइप से, आगे का पार्ट में इस टाइप से मैं गुलाई लगा दी, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और ये मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, इसका जो लंबाई है ब्लाउज का वो आप देख सकते हैं, यहाँ से 13.5 इंच पे है, 1/2 इंच यहाँ से दब जाएगा, 1/2 इंच यहाँ से दब जाएगा, तो भी तीरा का निशान जो है वो 13 इंच बच जाएगा, ठीक है। तो ये तीरा कभी ऊपर नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप 12 इंच तक करें, या 12.5 या 13, 13.5 इस टाइप से आप लेना आपको, ऐसा नहीं कि 11, 11.5 इंच पकड़ दे, नहीं तो आपका खराब हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ये मैं हर वीडियो में बता देती हूँ, जैसे हर लोग वीडियो नहीं देखते हैं, कोई थोड़ा देखता है, कोई बढ़ा देता है, कोई स्किप कर देता है, तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आता। पूरे ध्यान से देखेंगे तो मेरा वीडियो हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और यहाँ से फिर हम 1/4 इंच का राउंड लगाएंगे इस टाइप से, आप देख सकते हैं थोड़ा सा राउंड, यहाँ 1/4 इंच का गैप, और यहाँ से राउंड लगा दी, ठीक है, इस टाइप से। और उसके बाद में यहाँ से मैं टक्स लगा रही हूँ, तो टक्स यहाँ से लगाना है 4 इंच, 2 पॉइंट पे टक्स लगाना है इसका। और ये टक्स भी मैं हर साइज का बता चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और चैनल भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से, और यहाँ का चौड़ाई थोड़ा हम ज्यादा पकड़ेंगे, अगर आपको पफ थोड़ा बड़ा बनाना है, गड्ढा यहाँ ज्यादा करना है तो थोड़ा ज्यादा पकड़े, अगर कम गड्ढा करना है तो कम पकड़े, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 2-2 इंच पे निशान लगाना है इस टाइप से, और यहाँ से भी, और इस निशान को थोड़ा तिरछा इस तरह से हम मिला देंगे, और इस निशान को हम इधर कर देंगे यहाँ से 1.5 इंच, 2 इंच ऊपर, और इस निशान को एक कोने में मिला देंगे, ठीक है, इस टाइप से कर देना है। और यहाँ का आप देख सकते हैं ये जो आर्मोल है, यहाँ का 1/2 इंच हम अंदर कर देंगे इस तरह से, 1/2 इंच यहाँ से अंदर करना है ऐसे राउंड लगा के, ताकि आगे में फूग ना आए, ठीक है। और टक्स यहाँ का जो मेन टक्स लगाई वो आपको मैं बता दी कि ये मेन टक्स तो थोड़ा सा भी उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पफ यहाँ बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपका पफ तो ये जो पफ है वो साइड में चल जाएगा, और फिर उतना अच्छा नहीं बैठ पाएगा शरीर में ब्लाउज, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैं बताई वैसे आपको निशान लगाना है तो आपका परफेक्ट आएगा। और उसके बाद में ये बेल्ट हमारा निकल गया, आप देख सकते हैं बेल्ट यहाँ से निकल गया, और बेल्ट हम अलग से भी कटिंग कर सकते हैं अगर कपड़ा नहीं हो तो, और यहाँ कपड़ा है तो यहाँ निकल गया बेल्ट यहीं, और नहीं है तो मैं अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये चौड़ाई मैं 1 इंच ज्यादा ली हूँ, आप देख सकते हैं जैसे फिटिंग हमारा 9 इंच है, 36 इंच में चौथाई भाग में 9 इंच होता है, 9 इंच, और 1 इंच में एक्स्ट्रा ली हूँ 10 इंच, यहाँ आप देख सकते हैं 10 इंच में निशान लगा रही हूँ इस तरह से, इसलिए कि यहाँ यहाँ कपड़ा जाता है फिर इधर करके थोड़ा कपड़ा यहाँ गोल हो जाता है, तो इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। आप देख सकते हैं 1 इंच में एक्स्ट्रा ली, उसमें मैं 9 इंच ली चेस्ट में, और इसमें मैं ली 10 इंच, और ये 2 इंच हो गया मार्जिन।
ठीक है, इसी तरह से आपको लेना है। अगर इस तरह से आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूज लगे तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैं कटिंग कर ली, आप देख सकते हैं। अब मैं आस्तीन का बताती हूँ कि आस्तीन में किस टाइप से फिटिंग आपको लाना है। आस्तीन कटिंग कर रही है तो इस टाइप से डबल कर लेना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैम हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है और कम पड़ जाता है, जोड़ना पड़ता है, तो मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मैं बताई आपको। और वहाँ देख सकते हैं किस तरह से मैं बचा के कपड़े को कटिंग की हूँ, जो हमारा कपड़ा आसानी से बच जाता है। ठीक है, तो इसे मैं डबल कर दी और इसे मैं फिर से डबल कर देती हूँ, क्योंकि इसका जो लंबाई है ब्लाउज का, ये 10 इंच में रखूंगी फिटिंग में और लंबा थ्रेड रखूंगी इसका। और यहाँ देख सकते हैं मैं डबल कर दी और उसके बाद में यहाँ से खुले साइड से इधर से निशान लगाना है। ठीक है, राउंड हम इधर से लगाएंगे। पहले हम आस्तीन का लंबाई ले लेते हैं, जैसे 10 इंच फिटिंग में है, उसके बाद में इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ से हम राउंड लगाएंगे 3.5 इंच का, 3.5 इंच का आप राउंड लगा सकते हैं, 3.25 इंच का भी। और इस निशान को हम यहाँ से राउंड शेप में मिला देंगे। पहले यहाँ से 1 से 1.5 इंच सीधा आना है और उसके बाद इस तरह से मिला देना है इस टाइप से। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच सीधा है, उसके बाद यहाँ से राउंड ऐसे लगाई हूँ। जैसे बहुत लोगों को राउंड लगाना भी नहीं आता कि कैसे हम राउंड लगाएं, तो अब ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे यहाँ से हम 1.25 इंच सीधा है और यहाँ से भी हमें 1 से 1.25 इंच में सीधा रखी हूँ, और उसके बाद राउंड शेप इस टाइप से मिला देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे तिरछा करके ऐसे मिला दिए, ऐसा नहीं, थोड़ा राउंड करके ही मिलाना है। और उसके बाद फिर से यहाँ से नाप लगा के देख लेना है कि हमारा 8 इंच फिटिंग में आ रहा है क्या नहीं। जैसे मैं उसमें आपको बताई कि 8 इंच हमारा आर्मोल है, तो उसी में ये फिटिंग जाएगा। तो 8 इंच यहाँ से आप देख सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, 8 इंच इसमें फिटिंग आराम से आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक इसका 8 इंच आ रहा है। इस तरह से आप नाप लगा लीजिएगा और यहाँ निशान लगा देना है। ठीक है, और ये हमारा जैसे अस्ट्रा हो गया, मार्जिन हो गया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में हाथ का फिटिंग का निशान लगाना था। हाथ का फिटिंग जो है यहाँ वो 5.5 इंच है, और 5.5 इंच, और ये 5.5 इंच को इसमें इस तरह तिरछा करके मिला देना है, इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो एक्स्ट्रा हो गया मार्जिन, इसी तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत कम पड़े, जैसे थोड़ा यहाँ से मार्जिन आपका कम पड़ रहा है और कम कपड़ा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ से इस टाइप से बढ़ा देना है, ऐसे करके बढ़ा देना है। ठीक है, थोड़ा तिरछा कर देना है यहाँ से, तो थोड़ा कपड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैं कटिंग कर ली, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका कटिंग कितना सुंदर आया, वो भी आप देख सकते हैं। तो हर एक पार्ट में आपको डिटेल में बता दी, आस्तीन भी कटिंग करना, आगे का पार्ट भी, बेल्ट भी, सब में बताई आपको डिटेल में। अगर आपको कुछ कंफ्यूज लगे तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और अगला आपको क्या सीखना, क्या आपको कंफ्यूज लग रहा है, मतलब जो आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो मेरे से आप कमेंट में बताएं, मैं वही उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।